नमस्कार सलाम न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुल सरल इमरजेंसी तब और अब आपातकाल कल और आज आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं हमारे साथ हैं न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर प्रकाश जी प्रबीर जी आपका स्वागत है आपने वो दौर देखा है तो आज की पीढ़ी या हमारी पीढ़ी भी जिसे बहुत उस समय की कोई याद नहीं है अगर उसे उस दौर के बारे में बताएं इमरजेंसी या आपातकाल ये क्या था क्यों था और इसकी जरूरत क्यों आई पहली बात तो इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी ठीक है ना तो वो जो इमरजेंसी उस वक्त जारी की गई थी अब सभी उस पर सहमत है कि वो एक खास मुद्दा इंदिरा गांधी के सामने था वो एक था कि उनकी जो, सीट जो है वो चली गई थी कोर्ट के जजमेंट के वजह से शी, हाँ, के दी दी तो उसका वो एक इशू था और उसके साथ साथ कांग्रेस जो बहुत भारी बहुमत से जीता था 71 में मिसेस गांधी के नेतृत्व में उसका लीडरशिप देश के सामने से जाता दिख रहा था खास तौर से जिस तरह के मास मूवमेंट्स खड़े हो रहे थे उनको लग रहा था ग्रिप सब राजनीतिक ग्रिप जो देश के ऊपर है वो कही कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है पर अगर हम उसका एक ये देखें कि डिसाइडिंग इशू क्या था तो मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बनाम इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जिसमें उनकी चुनाव में उनको करार दिया था करार करार गया, गया, गया था कर प्रैक्टिस अवैध करा करार दिया गया था ये भी देखिए कि वो जो चीज़ के लिए वो अवैध करार दिया गया था वो आज के दिन में बहुत मामूली नज़र आता है कि इसने इस्तीफा दे उसका इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ था नहीं एक्सेप्ट हुआ था उसके आधार पर वो अनसीड कर दिए गए थे उसके हिसाब से देखें तो इस चुनाव में शायद बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए हैं जो भी इस तरह के संदेह की कारण हो सकता है सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ कि आज विषय ये नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे हमारे हमें जो समझना है इस चीज़ पे कि इमरजेंसी आम जनता के दृष्टि में उस वक्त एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षति उनको नज़र नहीं आता पहले उनको लगा था ठीक है आ, शायद इस पे ए, ए, क्या कहते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें होंगे इससे शायद डिसिप्लिन हाँ, ये बड़ी आज तक कही जाती है हाँ। कि रेल समय पे समय लगी पे चलने और... लगी फलाना ढमाका तो मिडिल क्लास खास तौर से उसका एक हमेशा मोहब्बत रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो सबको चाबुक मार के सही कर दे तो उनके नज़रिए से कि इमरजेंसी इसका एक पॉजिटिव पहलू ये था कि सब डिसिप्लिन हो जाएंगे वो अपने बारे में तो सोचते नहीं थे कि हमको ऊपर भी चाबुक पड़ेगी तो इमरजेंसी के 19 महीने दौरान उनको ये समझ में आ गया जिसको हम आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कहते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स कहते हैं उसका महत्व क्या है ये सिर्फ वोट डालने का अधिकार तो एक है ही इसके साथ बोलने की कोई अन्याय हो उसको उसके खिलाफ संघर्ष करने की इनकी जो सिविक राइट्स है उसका मतलब क्या है तभी समझ में आया जो सिविक रे जब चला गया पर वो दौर क्या था जो क्या उथल पुथल थी जैसे छात्र आंदोलन तेज हो गया था गुजरात में इधर जेपी भी बढ़ रहे थे आगे तो क्या वो पूरा दौर मास था मास मूवमेंट्स कुछ हो रहे थे करप्शन के खिलाफ बिहार में शुरू हुआ था इसमें सोशलिस्ट भी शामिल थे जनसंघ भी उस वक्त शामिल थी कुछ वामपंथी शक्तियाँ उस पर शामिल तो नहीं थी पर वो उस वक्त इन सब इश्यूज़ पे वो भी आंदोलन में थे कुछ लोगों ने विरोध भी किया था कह के कि ये तो फैशिज़म को बढ़ रहा है ठीक है जो दूसरी शक्तियाँ हैं पर एक बात ज़रूर थी कि चार साल में उनकी जो एकदम जो भारी बहुमत थी वो एक चैलेंज के रूप में निकल रहा था और मास मूवमेंट तो खैर होता ही है तो पुराना सोशलिस्टों को मतलब एक एक भारी भी है। बहुमत भी एक नेता को अनसिक्योर कर सकता है असुरक्षित महसूस वो उस दौरान भी कर सकता है मीडिया का रोल कैसा उस समय रहा उस वक्त तो मीडिया ने खैर जो अद्वानी ने एक बार कहा था तो मीडिया क्रॉल व्हेन आस्क टू बेंड ठीक है ना तो वो ये था कि पर एक बात तो सही है ना उस वक्त मीडिया पर आपकी सेंसरशिप जारी थी तो मीडिया पे सेंसरशिप एक तरह से और आप लिखेंगे कुछ तो उस पर आप जेल जा सकते हैं ये साफ़ था और मीडिया की मशीनरी उस वक्त प्रिंट था जी और सब मशीनरी तो अब जानते ही उस वक्त सरकार के हाथ पे था तो इसको देखते हुए मीडिया के पास जिसको कहते हैं कितना मनुवेरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा मनुवरेबिलिटी नहीं सर्थ बढ़ते हैं आज भी कि उसमें विरोध स्वरूप संपादकीय खाली छोड़ दिए गए काले कर रंग दिए गए पर, ये सब तो। टैसिट रिवोल्ट कर सकते थे आप पर बहुत दूर उसको नहीं ले ले जा पाते थे खैर वो दौर गुज़रा वो काला दौर गुजरा और फिर चुनाव हुए जनता पार्टी की सरकार आई फिर 80 में फिर वापसी हुई इंदिरा गांधी की खैर अब हम आज 2019 44 साल बाद हम आज इस पर बात करने के लिए बात कर रहे हैं आ उस दौर को और आज के दौर को आप किस तरह देख रहे हैं क्या कितनी समानता है कितनी आ, अलग आ, कुछ खतरे बढ़ रहे हैं इस बारे में कुछ बताइए देखिए दोनों जो पहलू है उस वक्त की और आज की उस पर फ़र्क है और उसमें कुछ चीज़ें मिलती जुलती है तो मैं क्या मिलती जुलती नहीं है उस पर पहले बात करना चाहूँगा उस वक्त जो सरकारी मशीनरी के इस्ते, इस्तेमाल हो रहा था वो प्रत्यक्ष रूप में घोषित था घोषित था, घोषित आपातकाल आपात और उसमें और कोई शक्ति यूथ कांग्रेस का था कुछ जगहों पे गुंडागर्दी का नतीजा नज़रिया था पर बहुत ज़्यादा उसका व्यापक स्थिति नहीं थी आज के अगर देखें ऑथॉरिटेरियनज़्म परोक्ष रूप में सरकारी मशीनरी के द्वारा किया जा रहा है चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो टैक्स रेड्स हो तो ये एक पहलू है एंटी नेशनल करार दे के लोगों को सिडिशन के चार्ज पे गिरफ्तार करना तो एक ऐसे चीज़ें की जा रही है वो लगता है कि इफ वो कानून के अंदर की जा रही है बट हकीकत ये है कि ऑथॉरिटेरियन स्टेप्स है डिसेंट के ख़िलाफ़ कोई उसके खिलाफ बोल रहे हैं इस सरकार के उसके खिलाफ दूसरी जो सिमिलैरिटी एक है वो ये है कि उस वक्त भी एक लीडर सेवेंटी वन मिसिस गांधी के चुनाव एक्चुअली एक प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरफ आप देख सकते हैं पहली बार देश ने कांग्रेस को नहीं चुना इंदिरा गांधी को चुना इस बार भी देख सकते हैं इस बार लोगों ने बीजेपी को नहीं चुना नरेंद्र मोदी को चुना तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये भी रहा वो भी था तो एक सिमिलैरिटी है ग्रेट लीडर के एक चारों ओर जो सब शक्तियों को बहुत कम कम कमजोर नजर दिखता है लगता है कि एक, तो एक ही व्यक्ति है तो ये एक उसकी सिमिलैरिटी है पर यह भी सही है कि इस वक्त आप उस तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर करना आसान नहीं है ताकि प्रशासन के ज़रिए हर डिसेंट को आप चुप करा देंगे ये संभव आज के ज़माने में मुश्किल है इंटरनेट है प्राइवेट मीडिया बहुत सारे हैं और आज की तारीख पे उस तरह का सेंसरशिप लगाना भी मुश्किल है बट सरकारी सेंसरशिप जो परोक्ष रूप में हो रहा है उसके साथ साथ दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक ट्रोल आर्मी है जो कि आपको सेंसर करते हैं गाली दे के वायलेंट थ्रेट्स होते हैं ख़ासतौर से अगर महिला है तो अभद्र भाषा तो बहुत मामूली बात है बड़े गंदे गंदे सेक्शुअल गाली दी जाती है उनको मतलब प्रत्यक्ष जो था वो तो हमें सामने दिख ही रहा था यानी घोषित था अघोषित में कुछ खतरे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो घोषित तो है नहीं कि आपातकाल है लेकिन उससे भी ज़्यादा आप पर थोपा जा रही हैं चीज़ें कि आप ऐसे करिए ऐसा कर, ना करिए नहीं तो आपका लिंच लॉज है लिंचिंग हो रहा है ठीक है ना तो वायलेंस जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है चाहे मीडिया स्पेस पे सोशल मीडिया के अंदर ये तो आप देख सकते हैं खास तो से माइनॉरिटीज़ पे दलित्स पे जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं ये जब पब्लिक वायलेंस है उसकी चरित्र और कुछ है पब्लिक वायलेंस ये सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए नहीं होता पब्लिक होता है पब्लिक वायलेंस इसलिए होता है कि पूरे क्वाम को दबाने के लिए कि देखो आप अगर हमारे प्रभुत्व नहीं मानोगे तो ये हादसा कर दी जाएगी आपके साथ तो एक पब्लिक वायलेंस के ज़रिए समाज को पुनः निर्माण करने की जो कोशिश है ये मैं समझता हूँ एमरजेंसी से भी बहुत ख़तरनाक ज़्यादा है इसीलिए कुछ चीज मिलती है पब्लिक वायलेंस का ये हिस्सा है, है मॉब लिंचिंग है ना जिसे मोबिलाइज लिंचिंग भी कहा जा रहा है मोबिलाइज और इसके पीछे सरकार की परोक्ष समर्थन है नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता जी अभी तबरेज अंसारी की हत्या हुई झारखंड में वहां देश भर में उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है न्याय के लिए आवाजें उठ रही हैं लेकिन आ, एक तरह से सरकार जैसे आपने कहा भी परोक्ष रूप से समर्थन देती हुई सब चीजों में दिख रही है आ, अभी, अभी के लग, लिंचिंग वालों के लिए मंत्री ने सम्मान जैसे किया था ये सब ये बताते हैं तबरी अहमद के जैसे पुलिस कुछ चीजें नहीं की बाद में जी। पर असली बात तो यह है कि गौरक्षक खुलेआम घूल घूम रहे हैं गाड़ियों में उनको पुलिस से मदद मिल रही है जब वो हमला कर रहे हैं तो पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है ये सब जो तस्वीर है गौरक्षक हो गए कबरेज वाले में चोरी का आरोप लगा के उसे कुछ भी लिया मास पीटा, फिर पुलिस आ, ने उसे इलाज नहीं कराया तो, अजूहात कुछ भी हो सकता है कुछ किसी किसी चीज के लिए आप मोबिलाइज कर सकते हो बट परोक्ष रूप में सरकार के अगर समर्थन न रहे तो ये ऐसे गुंडागर्दी नहीं मास वायलेंस नहीं हो लेकिन जो सत्ताधारी दल है खासतौर से बीजेपी अभी जब हमने सोमवार 25 जून को कल इसकी बरसी मनाई एक तरह से तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी ने उस आपातकाल की बहुत निंदा की और उसे बताया अधिनायकवाद का एक, एक कैसा ख़राब नमूना था और ये अब नहीं आएगा बातें तो अब भी बहुत सरकार के तौर पर बहुत अच्छी की जा रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये भी जोड़ दिया गया है लेकिन फिर क्या डर है देख ही सकते हैं कि एक तरफ आप हवाई चीज़ें कह रहे हो उसके साथ साथ वायलेंस पूरी तरह से जारी है इस वक्त खास तौर से कुछ सेक्शंस पे तो यही खतरा है कि घोषित और अघोषित आप कह कुछ रहे हैं कथनी कुछ है करनी तो कुछ है तो बचाव के रास्ते भी नहीं मिलते फिर व्यक्ति को मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखना चाहूँगा कि ये पांच साल तक कंसोलिडेट करने के लिए पिछले पांच साल जो हिंदुत्व फोर्सेस को उसको ऑर्गेनाइज करके कंसोलिडेट करने के लिए जिसके ज़रिए वो माइनॉरिटीज दलित की वॉइस को करीब करीब वो आइसोलेट करके बाहर करना चाहते समाज से अब रह सकते हो पर आवाज़ नहीं उठा सकते हो अब जो उनका ये है कि ये आप स्वीकार कर लो और अब तब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे पर आवाज़ मत उठाना और राजनीति में कोई दखल अंदाजी नहीं करना आप राजनीति के बाहर रहना तो ये जो गुजरात मॉडल जिसे कह सकते हैं पूरे देश पे प्रयोग करने की कोशिश है नॉर्थ इंडिया पे लागू हुआ ईस्ट इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं वेस्ट में तो है ही और इसको साउथ में ले जाने की कोशिश होगी पर मुख्य रूप में नॉर्थ इंडिया में एक दोहरा सिटीजनशिप का एक दौड़ चल पड़ा है अब हमें अभी होम मिनिस्ट्री ने गज़ट नोटिफिकेशन किया है कि कहीं भी फॉरेन ट्राइब्यूनल घोषणा कर सकता है डीएम भी तो किसी भी वक्त पे आप किसी भी जगह पे माइनॉरिटी पे एक हमला कर सकते हो सरकारी तौर पे जो आसाम में हो रहा है नेशनल ना, रजिस्टर के नाम एनआरसी भी के नाम पे जो हो रहा है इस पर चालीस लाख लोग जो है फॉरेन सिटीजन की करार दी गई है तो ये चीज़ अब कहीं भी किसी भी जिले जी। में भी हो सकता है स्टेट में हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी जो भारतीय सेना में जिन्होंने सेवाएं दी हैं उन्हें उनको भी शामिल किया जा रहा है पर देखिए इसका नतीजा क्या है लॉन्ग टर्म क्या है इसको सोचने की बात है इसी को मैं अघोषित इमरजेंसी का थ्रेट है और वास्तविकता भी है कि कभी भी किसी भी जगह पे इसको घोषणा करके कुछ लोगों को आप फॉरेन सिटीजन करार देंगे कितने लोगों पर के पास आपके बर्थ सर्टिफिकेट है कितने लोगों के पास ख़ासतौर से जो गरीब जनता है वो उस तरह से कैसे अपने अपने आप को साबित करेगा कि वो फॉरेन सिटीजन नहीं है नहीं नहीं। क्योंकि उल्टा आ, पहली बार एक उल्टा ये नियम प्रोसेस कर, कर दिया गया है आपको साबित करना है कि आप फॉरेन सिटीजन नहीं है सरकार को नहीं साबित कर रहे इस चीज़ को तो और उस पर कोई भी अभी जैसे जंगलों से ये तो फॉरन सिटीजन जंगलों से बेदखली जो हो रही है उसमें भी जो नए नियम लाए जा रहे हैं उसमें भी ये बताना कि हमने अपराध नहीं किया अगर रेंजर ने कह दिया आपने अपराध किया है तो अपराध किया है तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको मैं अघोषित इमरजेंसी कह रहा हूँ और जो घोषित इमरजेंसी था उसका दायरा एक हिसाब से इतना बड़ा नहीं था अब जो अघोषित इमरजेंसी है सरकार प्लस मास मॉब वायलेंस को अगर इकट्ठा करे इसका दायरा बहुत बड़ा है इसीलिए मैं इस वक्त एक नया इमरजेंसी के ख़िलाफ़ संघर्ष का मैं समझता हूँ कि इस वक्त वक्त है आ गया है और लोग भी इसको कह रहे हैं पर अभी भी एक हिसाब से हम माइनॉरिटी वॉइस है इसको कैसे आम जनता तक पहुँचाया जाए कैसे लोग साबित करें इसको कैसे लोगों को इसको समझे और ख़ास तौर से लोगों की आवाज़ कैसे रेजिस्टेंस की ओर बढ़े मेरे ख़्याल से इसकी ज़रूरी है नहीं तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो वैसे ऐसे की वैसी रह जाएगी पर उसको लागू करना जो हमारा काम है वो हम नहीं कर पाएंगे तो, तो फिर तो आपने कंक्लूड कर ही दिया कि जिस तरह अब जो ज़रूरतें हैं जो नई इमरजेंसी हमारे सामने हैं उसे किस तरह एकजुट होकर उसका सामना किया जाए तो इस बातचीत में फ़िलहाल इतना ही शुक्रिया